नमस्ते, दिस इज़ द अपडेट रिगार्डिंग रोडीज़ ऑडिशन। सो दिल्ली गया था, दिल्ली में नहीं हुआ, चंडीगढ़ गया। चंडीगढ़ में फर्स्ट राउंड जीडी राउंड क्लियर हो गया, सेकंड जीडी राउंड भी क्लियर हो गया, बट सेकंड जीडी राउंड क्लियर हो गया करके मेरे को पता नहीं था, तो मैं हैदराबाद भी चला गया था। तो हैदराबाद ऑन द वे फ्लाइट में सारे जजेस भी मिले थे, तो दो जजेस तो मेरे को देख के कन्फ्यूज़ हो गए कि तू क्यों चल रहा हैदराबाद। तो जैसे मैं हैदराबाद पहुंचा तो मेरे को कॉल आया कि सिलेक्शन हो गया तेरा, जीडी टू क्लियर हो गया, तो तेरे को ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है। बट ये है कि तेरा नाम वेट लिस्ट में है। तो दो लिस्ट होते हैं पीआर राउंड के लिए, एक शॉर्ट लिस्टेड पीपल और एक वेट लिस्टेड पीपल। सो शॉर्ट लिस्टेड पीपल आर द वंस हु आर कन्फर्म्ड, और वेट लिस्टेड पीपल आर द वंस जिनका हुआ है, बट अगर मौका मिलेगा तो हमको बुलाएंगे। तो मुझे कॉल किया तो उन्होंने बोला कि ये नंबर सेव करो और इस पर मैसेज करके पूछो, 23rd और 30th के बीच में तुमको अपडेट आएगा करके। तो मैं मैसेज किया, उन्होंने बोला कि वेट करो, अभी तक वेट लिस्टेड लोगों के लिए कॉल नहीं गया। तो अभी नंबर कॉल कर रहा हूँ तो स्विचड ऑफ है और मैसेज पहुँच नहीं रहा है। तो मेरे को काम है अभी दुबई में, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे हैं साउंड हीलिंग सेशंस के लिए। तो नवंबर में मैं दुबई में रहेगा, एक महीना वहाँ पर काम करेंगे और वापस इंडिया, ईशा फाउंडेशन। सो ये बोलने के लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ कि मेहनत बहुत किया मैं 18 साल, किसी को बोले बगैर, सिर्फ अंदर रख के मेहनत किया। और सपने का ऐसा होता है कि जिस डेस्टिनेशन के लिए हम लोग प्रिपेयर करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वही डेस्टिनेशन इन द एंड हो, क्योंकि जो मेरे को सिखाया पूरा जर्नी और जो मैं अभी है कि मैं 10 से ज़्यादा प्रैक्टिस सीखा हूँ, मार्शल आर्ट्स खुद का फॉर्म डिज़ाइन किया हूँ और सिखाता भी हूँ, इतने लोगों को सिखाया, फ्री में सेशंस भी दिया और 30 से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सीखा। तो ये सारा रोडीज से सीखा मैं, कि हर ऑडिशन में वो लोग पूछते थे कि तू नया क्या करता है, तो मैं नया सीखने लगा। और ये भी सवाल रहते थे रणविजय सर के और रघु सर और राजी सर, जब वो लोग करते थे कि ये तो सब करते हैं, तू क्या नया कर रहा है, और जॉब छोड़ के करना नहीं है तुझे, जॉब भी करना है, फाइनेंशियली भी तेरे को स्टेबिलिटी दिखाना है, लोगों का मदद भी करना है और कुछ नया भी सीखना है। तो मैं सब किया, MBA किया, फिर डेटा एनालिसिस किया 11 साल, फिर उसके बाद वो सभी छोड़ के, 27 एज का था तब, छोड़ के सब किया। मेरा तो सब पता ही है, इंस्टाग्राम पे सब अपडेट करके रखता हूँ मैं। तो काफ़ी कुछ सीखा, तो गम तो कुछ नहीं है बाबा, ठीक है। तो जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर द शो, वेरी ग्रेटफुल फॉर द क्रिएटर्स, वॉट एवर आई एम टुडे रोडीज़ के बदौलत हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है रोडीज़ का मेरी लाइफ में। सो विशिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, देखते हैं। काफ़ी लोगों से पहचान हुआ, सिवेज से मिला मैं, फिर रणविजय सर को, रिया मैम को, नेहा मैम को, एलविश सर को, फिर प्रिंस भाई को भी आमने सामने देखा, मिला नहीं उनसे बट देखा, बहुत क्लोज विसिनिटी में, 100 मीटर्स की विसिनिटी में। तो काफ़ी मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा ऑडिशन से। तो सीख के वापस जा रहा हूँ, कुछ खो के तो नहीं जा रहा हूँ, बहुत कुछ पा के जा रहा हूँ। तो दिसंबर में मैं वापस आएगा ईशा फाउंडेशन, अभी वहीं पर बैठा हूँ कोयम्बतूर में, यहाँ पर थे हम लोग एक हफ्ता। जैसे हैदराबाद का कॉल आया तो उसी दिन हम लोग निकल गए, तो एक हफ्ता हम लोगों ने स्पेंड किया यहाँ पर। बट अब कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, तो हम लोग चले वापस। तो थैंक यू सो मच पीपल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। सपना कभी नहीं छोड़ने का, सपना तुमको दूसरे रास्ते पे लेके जाता है, ठीक है, बट सिखाता बहुत कुछ है। तो जो भी मैं है, मैं बहुत खुश है।